पास्ता जो है ना वो हमारा रेडी हो गया है, मैंने आप लोगों को दिखाया ही ला के, और बड़ा मजे का लग रहा है, शक्ल से तो बहुत अच्छा। यस, छक्का हो गया, जिंदाबाद, आखिरकार जी एक छक्का जो है ना वो हो गया। यस नहीं मम्मा, उन्होंने हिम्मत मारी है, उन्होंने हिम्मत मारी है, एक आउट कर दिया है अब उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर अमेजिंग व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग होंगे बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से। आज है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच, अफगानिस्तान का ही है ना, हाँ मैं गलत ना बोल रही हूँ क्योंकि अभी मैंने जाके देखा नहीं है कि मैच स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो नमाज का टाइम हो गया क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले ही यूनिवर्सिटी से आई हूँ और बस मैंने एक चाय का कप पी है। तो सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे, नमाज पढ़ने के बाद जो है वो किचन में पास्ता वगैरह तैयार हो रहा है, फिर वहाँ पे वो रेडी करेंगे, उसके बाद मैच के आगे हमने टिक के बैठ जाना, फिर शाम तक हमने वहाँ से हिलना नहीं, बस जब ब्रेक होनी है तभी हिलना है। अल्लाह करे कि आज जो है ना वो पाकिस्तान जीत जाए, क्योंकि आज पाकिस्तान का जो है ना वो जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आज पाकिस्तान ना जीता तो पाकिस्तान ने बाहर हो जाना है, यकीन करें। और ना इतना मुझे दुख हो रहा है ना कि पिछली दफ़ा भी आटा लगा हुआ है मेरे हाथों पे, इतना मुझे पिछली दफ़ा दुख हो रहा था ना कि हम इतना अहतमाम करके इंडिया का मैच ऐसे लगा के बैठे, हमने कहा यार इस दफ़ा जीत जाएगा, लेकिन खैर किस्मत में नहीं था तो नहीं जीते। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है, नेक्स्ट व्लॉग में कह रही हूँ इंशाल्लाह ये वाला मैच जो है ना पाकिस्तान अगर जीत गया ना तो फिर नेक्स्ट वो क्वालिफाई कर जाएगा, ठीक है। और अगर ये क्वालिफाई कर गया तो फिर जो है वो पाकिस्तान आई थिंक सेमीफाइनल तक या क्वार्टर फाइनल तक पहुँच ही जाएगा। मुझे मैच का इतना नहीं पता, मेरे भाई को बहुत ज़्यादा पता है तो वो तो मैच की एक एक उसको डिटेल पता होती है कि क्या चल रहा है। खैर चैनल को आपने कर लेना है सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि अच्छे अच्छे व्लॉग्स और मज़े मज़े की वीडियोस आप लोगों को देखने के लिए मिलती रहें, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना आपने नहीं भूलना, और मुझे करते रहना है सपोर्ट ताकि मैं एक अच्छी व्लॉगर बन जाऊँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं व्लॉग्स अच्छे बना रही हूँ कि नहीं बना रही, जितने भी व्यूज़ आते हैं वो सारे मुझे सब्सक्राइब भी करके जाया करो, ठीक है, और आगे भी शेयर किया करो लोगों को, ऐसे शेयर किया करो जैसे सदका जारिया शेयर हो रहा है, ठीक है, तो अल्लाह माफ़ करे। सो गाइस अब मैं सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर हम मैच की तरफ चलते हैं। तो दुआ आप लोगों ने करनी है, ऑब्वियसली हम सब दुआ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैच हम जीत जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जी यहाँ पे एक साइड पे हो रही है रोटी तैयार और दूसरी साइड पे बन रही है मैक्रोनी, और इसकी सब्जियाँ शब्जियाँ ये सारी काट के रखी हुई हैं, और इस साइड पर पास्ता जो है बॉयल हो चुका है। ये सारा हमने कर लेना है अभी फटाफट से तैयार, क्योंकि मैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो फिर मैच देखते देखते एंजॉय करेंगे। ये ना हो उस दिन भी जिस दिन इंडिया के साथ था उस दिन भी बड़ी तैयारी करके हम बैठे थे और वो हार गया, लेकिन आज अगर पाकिस्तान हार गया ना तो पाकिस्तान ने हो जाना है बिल्कुल मैच से बाहर। तो बस एक साइड पर मैक्रोनी तैयार हो रही है, रोटियाँ बना लें फटाफट, बस फिर मैच देखना है और साथ साथ इंजॉय करना है। अल्लाह करे कि आज जो है ना वो मैच जीत जाए। तो गाइस नमाज जो है ना वो मैंने पढ़ ली है अल्हम्दुलिल्लाह, अब नमाज में दुआ भी कर ली है कि पाकिस्तान जो है ना वो मैच जीत जाए, अब आप लोगों ने भी दुआ करनी है कि पाकिस्तान जो है ना वो मैच जीत जाए। अब बस किचन में हमारा पास्ता रेडी हो रहा होगा, बीच में मैं छोड़ के आ गई, रोटी बना रही थी मैं, और बस मैंने सोचा कि पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नमाज़ मैंने पढ़ ली है, अब किचन में जाते हैं पास्ता वगैरह रेडी करते हैं। बल्कि पास्ता तो सोनिया बना रही है, सोनिया मेरी भाभी का नाम है, ठीक है, तो वो पास्ता बना रही है, वो रेडी हो जाता है, तो बस अब मैच की तरफ चलते हैं। मामा एस यू गाइस ऑल नो कि मामा कितनी एक्साइटेड होती हैं मैच को लेके, तो शोर सुनने के लिए आप लोग तैयार हो जाएं, बस अम्मा के पास हम जा रहे हैं, देखना चौका बजना है, मम्मा ने वो शोर मचाना है, रोला मचाती हैं मम्मा, बहुत शोर करती हैं, तो उनको देखते हैं, उन्होंने ना बहुत अब एक्साइटेड हो जाती हैं वो मैच को लेके, मेरा दुपट्टा किधर को जा रहा है। तो सो गाइस चलते हैं मैच की तरफ। ये जी हमारा पास्ता जो है ना वो माशाल्लाह से हो गया है तैयार बिल्कुल, अब ये हम खाएंगे। चलो जी बिस्मिल्लाह, पास्ता तैयार हो गया है, बस अब इसको प्लेट्स वगैरह इसके साथ रेडी करते हैं। ये वाली धोली, चलो ठीक है। पास्ता जो है ना वो हमारा रेडी हो गया है, मैंने आप लोगों को दिखाया ही ला के, और बड़ा मज़े का लग रहा है, शक्ल से तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस अब हम चलते हैं अपने मैच की तरफ, और मैच में पढ़ पढ़ के फूके मारनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट मैच में पाकिस्तान जो है वो हार गया है, इस दफ़ा अगर हार गया तो पाकिस्तान बाहर हो जाएगा, यार ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते, आज का मैच हारना हम अफोर्ड कर ही नहीं सकते किसी सूरत। सो गाइज लेट्स गो, देखते हैं कि मैच का क्या बनता है।
अच्छा जी 64 हो गया हमारे पास, एक आउट भी हो गया पाकिस्तान का। अच्छा और ओवर्स कितने चल रहे हैं? 12 चल रहा है। चौका हो गया। ओ यस यस, परफॉर्मेंस तो इसका मतलब अच्छी चल रही है, लेकिन अभी तक मैंने ओवर्स नहीं देखे कि ओवर्स कितने हो गए हैं, वो अभी मुझे देख के पता चलेगा कि ओवर्स के हिसाब से स्कोर ठीक चल रहा है कि नहीं। 10 ओवर हैं और यार जितना ओवर है उतने ही स्कोर हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान को इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा खेलना चाहिए, फिर हमारा जाके स्कोर अच्छा होगा। शुरू में स्कोर बना लें, वरना एंड पे आके तो जब ये लोग आउट होने लगते हैं तो आउट ही होते जाते हैं। सिंगल ले ली उन्होंने, बॉल उस साइड पे चली गई थी। लेट्स सी कि क्या बनता है। पास्ता खाते हैं साथ साथ और साथ साथ हम देखते हैं मैच। तो जी मैच इंजॉय हो रहा है हमारा, चौके वैसे मार रहे हैं। 72 स्कोर हो गया, एक आउट है और 12 ओवर्स हो गए हैं। मतलब आप भी अपने रिव्यूज शेयर करें मैच के। हाँ माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह ना जितना है जितना है, आज इंशाल्लाह जीतना बनता भी है। आज जीते ना तो इन्होंने बाहर हो जाना, बाहर हो जाना। अल्लाह ताला कामयाब करे, इंशाल्लाह जीतेंगे। वो लाइट चलाना जनम। हाँ इंशाल्लाह आज कामयाब हो जाएंगे। और मैं पास्ते में डाल के खाती हूँ बहुत सारा केचप, मुझे बहुत पसंद है। नज़र ना लगा देना इतना ज़्यादा खा रही है, थोड़ा सा लग रहा है, वैसी प्लेट भरी है। ठीक है, खाती मैं बहुत थोड़ा सा हूँ, मेरी सेहत से नहीं आप लोगों को पता चलता, बहुत थोड़ा सा खाती हूँ मैं। चले जी मैच देख रही है। पहले इतना इतना खाती थी ये, पहले खाती थी ना, अब तो मैं बहुत अपना वजन कम कर लिया। हाँ आप लोग भी ऐसा ही करें। स्मार्ट हो गई हूँ मैं अभी मैं यानी कि स्मार्ट हूँ अभी, लगती नहीं है, लेकिन अपनी पहले की निस्बत हो गई है। ये ना सराना तो खाती लेट के खाती, क्या कर रही हो सारे? कुछ नहीं मामा, मुझे मजे लेके खाने दो। खाने का रिजल्ट आपने देखा? हाँ मतलब मैं मोटी हो गई थी, सही कह रही है। मैं लेट के खाती होती थी, लेट के सारे स्नैक्स खाती थी, फिर कोल्ड ड्रिंक्स भी पीती थी, मीठे बहुत खाती थी। खाती तो अब भी वैसे ही हूँ, लेकिन ये है कि अब काफी कम कर लिया हुआ है, कंट्रोल कर लिया। A few moments later. मैच के बीच में जी अब थोड़ा सा मैंने कहा वक्फा लूँ, मैं खुद से ही वक्फा लिया। मैच में कोई नहीं आया, मैंने कहा नमाज पढ़ लूँ। अभी मैं नमाज पढ़ के हटी हूँ, और यकीन करें सिर्फ मैच दुआओं पे चल रहा है। आज जो मैच का हालात है ना, पाकिस्तानी टीम को मुझे लग रहा है जैसे बिल्कुल नज़र लग गई है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेल रहे। और ओवर कोई 35-40 हो गए हैं और कोई स्कोर नहीं किया, 4-5 आउट भी हो गए हैं। रिजवान आते सार ही एक छक्का एक चौका मार के, तो चक्का चौका और चक्का मार के वो गायब हो गया। अब अल्लाह पता नहीं, अल्लाह वाले ही है हमारा आज का मैच। पता नहीं इन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ नहीं आ रही। मैं तो लगता आज इन्होंने ना आई बस क्या कहें, मेरी मम्मा कह रही इंडिया वालों ने ना इनके ऊपर जादू कर दिया, वरना हमारी टीम बहुत अच्छी है तो वो खेलते तो अच्छा है, लेकिन आज ना उनको नज़र लग गई हुई है। कैसा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है, जड़ा इंडिया से खेल लिया बहुत अच्छे सन खिलाड़ी। अच्छा इन्हों जो इन्हें 370 श्रीलंका खेलिया, मेरा ख्याल 340 बड़ा अच्छा खेले थे ये लोग। माशाल्लाह उस दिन की ऐसी नजर लगी है ना इन्हों, ऐसे जादूगर लोग ने, उस तो बाद ये खेले नहीं गए अच्छा। इंडिया वालों ने जादू कर दिया यार, वैसे मम्मा कह रही है, मामा मुझे कल भी गया कहती इन्होंने ना नजर लगा दी है पाकिस्तानी टीम को, वरना पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलता है, तो अब ना इनको नजर लग गई है इसलिए अच्छा नहीं खेलते। इंडिया वाले काला जादू करते हैं, हमारी टीम के ऊपर जादू कर दिया इसलिए टीम। मामा किस तरह से ये बैटिंग कर रहे हैं, क्या करते हैं? थोड़ी देर बाद बस आगे जाने नहीं देते, वो टुक टुक करते हैं ऐसे, बल्ला मार टुक मैच का नाम रख देते हैं, है ना। आगे वो भी 4 तो आउट हो गए हैं, और पता नहीं अभी तो फिलहाल चलो ब्रेक चल रही है, लेट्स सी देखते हैं क्या बनता है, वरना मैच के हालात बहुत खराब है। यस छक्का हो गया, आखिरकार जी एक छक्का जो है ना वो हो गया। नहीं नहीं ये वही दिखा रहे हैं, पुराना वाला ही दिखा रहे हैं। फाइनली फाइनली बाबर ने छक्का लगा दिया है, अब अल्लाह करे कि ये चल पड़े। आखिरी 9 ओवर रह गए हैं, बस 9 ओवर चल रहे हैं, 202 स्कोर है, अब देखते हैं क्या बनता है। लो जी अभी इनकी तारीफ करके हटे थे, अभी बाबर ने छक्का लगाया और अभी बाबर हो गया आउट। काफी ज्यादा जो है ना वो उम्मीद लग गई थी, लेकिन बाबर साहब जो है ना वो आउट होके इस टाइम पे बड़ा काम खराब किया है। वैसे अब उसकी जगह पे मेरे ख्याल में आ गया है शदाब। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह एक उनका आउट कर दिया पाकिस्तान।
पाकिस्तानियों ने हिम्मत मार ही ली है इन्होंने वैसे। यस नहीं मम्मा, उन्होंने हिम्मत मारी है, उन्होंने हिम्मत मारी है, एक आउट कर दिया अब उन्होंने, सब चुप करके बैठी हुई है अफगानिस्तान। लेकिन यार उम्मीद नहीं थी, पाकिस्तान ने पिछले 3 मैच बहुत ही पैड़े खेले हैं। आज मुझे उम्मीद थी कि आज का मैच ना पाकिस्तान जीत जाएगा कुछ ना कुछ करके, क्योंकि अगर आज ना जीता तो बाहर हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है ना, मैं मतलब क्या बताऊँ आपको, ये क्या किया आपने, इतनी बुरी परफॉर्मेंस दी है ना। बैटिंग अच्छी कर लेते, इनको पता था कि अगर हमसे फील्डिंग भी नहीं अच्छी होनी तो बैटिंग ही अच्छी कर लेते, स्कोर इतना बना लेते कि चलो कोई काम बन जाता। लेकिन खैर चलो देखते हैं, एंड तक बड़ा प्रोग्राम खत्म हो गया सारा। लेट्स सी प्रोग्राम, 7 गेंदें रह गई हैं और 7 गेंदों पे एक स्कोर चाहिए हमें, जो कि बस ऑलमोस्ट हो गया है। और अफगानिस्तान ने बहुत अच्छा खेला है, अफगानिस्तान जीत गया। अफगानिस्तान ने तो जैसा खेलना था वो तो वैसा ही खेला है, असल में तो हमारी टीम थोड़ा कम खेली है। तो जी पाकिस्तान मैच हार चुका है। ओ जी खबर भी आ गई, मम्मा कैसा महसूस कर रही हैं आप, मैच हार गए हैं हम आज फिर से। मम्मा को चुप लग गई है, बिल्कुल साइलेंट मोड पे चली गई हैं, मम्मा साइलेंट मोड पे चली गई हैं। लेकिन खैर जिस दिन इंडिया के साथ मैच था ना उस दिन भी बड़ी तैयारी करके हम बैठे थे, सुबह से शाम हो गई और हमने बड़ा टिक के मैच देखा। जब हम मैच नहीं ना देखते तब फिर भी मुझे लगता है जीत जाते हैं, और जब देखते हैं तो तब नहीं जीतते। लेकिन खैर चलो, हार जीत गेम का हिस्सा है। तो एंड पे उस दिन भी मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, वो लोग जीत गए हैं, ऑस्ट्रेलिया ने भी बड़ा अच्छा खेला था, अफगानिस्तान ने भी बहुत अच्छा खेला, इंडिया भी अच्छा खेला था, बस हमारी टीम ही नहीं तीनों दफ़ा अच्छी खेली। तो कोई बात नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम सही, अगले वर्ल्ड कप में सही, अब तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया तो कोई बात नहीं, इतना दुख अफसोस नहीं करना, जज्बाती नहीं होना। यहीं पे साथ ही अपने व्लॉग का भी एंड करेंगे, मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त, मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन का बटन दबा लेना ताकि वीडियोस देखने के लिए मिलती रहे, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना आप लोगों ने नहीं भूलना। तो बाय।